हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूँ और इसमें हम देखेंगे टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ऑलरेडी हमने इसके सारे फॉर्मुलेस डिराइव करके देख लिया है और उनमें से जो कुछ हमारा कॉन्सेप्ट बच गया था हम उसे अभी देख लेंगे और इस सारे आइडेंटिटीज पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी हमने इस फॉर्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने इसे पिछले लेक्चर में देख लिया है। लेकिन इसी फॉर्मूले पर हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं और उन चेंजेस करने के बाद ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा हमें वो देख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो पहला कंडीशन है इसमें लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाए। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है फॉर्मूला को देखकर कि ये टर्म जो हमारा RHS में लिखा हुआ है अगर ये टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाए तो इस फॉर्मूले पर क्या फर्क पड़ेगा, ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा अगर ये टर्म कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। तो यहां पर एक बात समझने की है। सपोज मेरे पास कोई नंबर लिखा है x ले लो, है ना, यहाँ पर ABCD लिखा है इसलिए नहीं मान रहा हूँ। सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई नंबर लिखा है x, ठीक है। ये क्या है नंबर, ये नंबर एक कांस्टेंट है। अगर इस नंबर से मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूँ, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी नंबर से x कोई भी नंबर है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है ना, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस नंबर से जीरो को मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर का वैल्यू कितना हो जाता है। तो ये हमें पता है कि जीरो से कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू कम्प्लीटली जीरो हो जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो है। तो जैसे ही a प्लस बी प्लस सी ये कम्प्लीट टर्म जीरो होगा, अगर ये टर्म मेरा जीरो हो गया ये वाला, तो इस टर्म से मेरा ये कम्प्लीट टर्म मल्टीप्लाई है। समझना बात, यहाँ पर a भी एक नंबर है, b भी एक नंबर है, c भी एक नंबर है। मतलब हम अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को जो यहाँ लिखा हुआ है इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर ही निकल कर आएगा ना। उस नंबर से अगर मैं इस पूरे कंप्लीट टर्म जो कि जीरो के बराबर है, इस जीरो से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। ये वाला बात जो अभी मैं आपको समझाया वही बात यहाँ है। इट मीन्स ये जो हमारा RHS का साइड है इस फॉर्मूले का लिखा हुआ, ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये टर्म इस जीरो से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ही अब ये जीरो हो गया, समझो बात, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू जीरो हो गया। जैसे ही हमारा फॉर्मूला इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को 3ABC जो कि माइनस है इसको हम क्या करते हैं, इक्वल टू के उस साइड करते हैं, मतलब साइड चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूला अब कैसा दिखने लग जाएगा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हाउ मच, ये टर्म नेगेटिव था इधर साइड चेंज करके उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये टर्म का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। और ये टर्म कितना लिखा जाएगा यहां आकर, 3ABC। मतलब अगर इस फॉर्मूले में अगर एक भी टर्म इन दोनों में से जीरो हो गया तो ये फॉर्मूला ऐसा दिखेगा। और यहां पर क्या जीरो था, a प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। होप सो अब आप समझ गए होंगे इस फॉर्मूले में क्या चेंज आया। अब चलिए इस फॉर्मूले जो दूसरा चेंज है वो मैं आपको बताता हूं। अब मैं वही जो हमने अभी जो फॉर्मूला देखा इससे पहले उसी फॉर्मूले में जो दूसरा चेंज करने जा रहा हूं उसे ध्यान रखना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं भी घुसाकर किसी भी जगह दे देगा किसी भी टर्म एक्सप्रेशन के अंदर और आप फंस जाओगे, आप सोचते रह जाओगे, है ना। अगर आप इस चीज को देख लोगे सीख लोगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं रहेगा। समझो बात अब मेरी, अगर मैं कोई नंबर मेरे पास सपोज लिखा हुआ है 1/4, समझो बात, कोई नंबर लिखा है मेरे पास 1/4, अगर इस पूरे नंबर को मुझे 1 बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर ये 4 से 4 कट गया तो ये नंबर नॉर्मली 1 बन जाएगा, मतलब जो नंबर 1 था उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है।
चलो वही काम अब हमें यहाँ करना है। हमारे पास ये कंप्लीट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर टू से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई किया पहले फिर टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मतलब टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वन बचेगा, वन से वापस ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब एक्सप्रेशन पर कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को समझो आप, यहाँ पर टू लिखा है, यहाँ पर हाफ लिखा है, अगर इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बच जाएगा रिमेनिंग वन। वन से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो जो पहले था वही रह जाएगा, तो मतलब इस एक्सप्रेशन पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं और फिर साथ में टू से एक मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन हमारा यहाँ एक काम बनेगा, वो काम क्या बनेगा उस चीज को ध्यान से समझो। अब मैं क्या करता हूँ, हाफ को एज इट इज ऐसा ही लिखा रहने देता हूँ, और ये जो ए प्लस बी प्लस सी है ना, उसे मैं क्या करता हूँ एज इट इज ऐसा ही उतार देता हूँ। लेकिन ये जो 2 था मेरा मल्टीप्लाई, अब इस 2 को मैं क्या करूंगा, इस 2 को इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर लेकर चला जाऊंगा, तो उससे क्या होगा, अब बात समझना मेरी। यहां पर जैसे ही मैं इस 2 को इस पूरे कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2CA। अब ध्यान से समझो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को वापस से एज इट इज ऐसा ही उतार लो नीचे, कितना हो जाएगा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी। अब जो मैं कर रहा हूं उसे ध्यान से देखना, यहां पर 2a² लिखा है, मतलब a² टोटल नंबर में कितना है, 2a² है हमारे पास, तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, a² + a² लिख सकते हैं ना, यहाँ 2 है, 2 को तोड़ के 1+1 लिख सकते हैं ना, तो उसी तरह 2a² है, तो इस a² को मैं तोड़कर a² + a² लिख सकता हूँ। चलो अब समझो यहाँ बात, अब वापस से यहाँ 2b² लिखा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, b² + b² लिख सकता हूँ क्या। चलो वापस यहाँ पर 2c² लिखा है, तो मैं इस 2c² को c² + c² लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। अब बाकी जो रिमेनिंग टर्म बच गया उसे एज इट इज ऐसा ही उतार दो, -2ab - 2bc - 2ca, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझो, यहां पर वापस से ये जो पहला टर्म लिखा है हाफ, और उसके बाद जो लिखा हुआ है a + b + c, इसे एज इट इज उतार लो। लेकिन अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ध्यान दो, यहां पर a² लिखा हुआ है, यहां पर b² लिखा हुआ है, और यहां पर -2ab लिखा हुआ है, मतलब a² - 2ab + b², ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया, a - b² का फॉर्मूला हो गया। वापस से देख लो एक बार, a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला हो गया, a - b² का फॉर्मूला हो गया। इसीलिए हमने क्या किया, इसे a² को दो बार लिख लिया, b² को दो बार लिख लिया, क्योंकि आगे 2 था, और c² को जो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो इसीलिए इसको भी तोड़कर दो बार लिख लिया, क्योंकि हमें इसको एक नए एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था, और ये एक्सप्रेशन क्या होगा, आपको काफी दिक्कत देता है बहुत जगह, है ना। चलो फिर आगे क्या देखते हैं, यहाँ पे प्लस, वापस से देखो, यहाँ पर एक और a² बचा, a² का काम तो निकाल लिया, वापस से दूसरा a² बचा हुआ है, चलो बचा हुआ है, यहाँ पर c² है ना, यहाँ a², यहाँ c², फिर यहाँ देखो -2ca, मतलब a² - 2ca + c² किसका फॉर्मूला हो गया, बोलो, ये फॉर्मूला हो गया a - c² का फॉर्मूला हो गया। होप सो अब आपको बातें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। अब वापस से देखो, यहाँ पर एक b² लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक c² लिखा हुआ है, और यहाँ पर -2bc लिखा हुआ है। वापस से देखो, b² + c² - 2bc किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया b - c² का फॉर्मूला। अब ये जो हमारा नया एक्सप्रेशन बनकर आ गया ना, a³, ध्यान से देखो, a³ + b³ + c³ - 3abc को एक और तरह से लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, हाफ a + b + c ब्रैकेट a - b² + a - c² + b - c² ब्रैकेट क्लोज, मतलब
इसका एक और फॉर्मूला हो गया ये जो मैंने अभी डिराइव किया। होप सो अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आपको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट में सारा लेक्चर देखिए जो मैंने करवाया है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इन सभी आइडेंटिटीज पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन मल्टीप्लाई विथ x प्लस वन, ये किससे मल्टीप्लाई है, x स्क्वायर प्लस वन, और फिर ये किससे मल्टीप्लाई है, x का पावर 4 प्लस वन। तो अब क्या करना है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करके कुछ 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 करके, नहीं इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना, और हमें बताना है कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन जो इन सभी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आएगा वो कितना है ना। तो चलो देखते हैं, मैंने आपको आइडेंटिटीज में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला क्या था ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता था ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला आपके ध्यान में है ना तो ये क्वेश्चन तुरंत बना दोगे। अब ध्यान दो, यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। जरा इस एक्सप्रेशन पे नजर डालना तो एक बारी, अगर मैं इस एक्स को ए मान लू और इस वन को मैं बी मान लू, तो ध्यान दो यही एक्स और वन तो यहां भी लिखा हुआ है ना, तो ये एक्स क्या हो जाएगा हमारा ए और ये वन हमारा क्या हो जाएगा बी, लेकिन यहां बीच में माइनस है तो ए माइनस बी लिखा है, यहां प्लस लिखा तो यहां ए प्लस बी लिखा है। समझो इस एक्सप्रेशन को रिलेट करो इस फॉर्मूले से, जैसे ही हमने इस फॉर्मूले से इस एक्सप्रेशन को रिलेट कर लिया, वो कैसे आएगा आपको रिलेट करना, प्रैक्टिस से आएगा, है ना, डरने की बात नहीं है, कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा, अभी जैसे बता रहा हूं मैं आप वैसे समझो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ही हमने रिलेट कर लिया फॉर्मूले से, तभी हमें पता चल गया ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसका फॉर्मूला कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला कन्वर्ट होकर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब समझो बात, वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, वन का कितना भी पावर कर दो, पहले भी मैंने आपको समझाया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर वन का जितना भी पावर लिख दो वैल्यू उसकी कितनी होगी, उसकी वैल्यू वन ही होगी, इसीलिए यहां पर टू लिखने का कोई जरूरत नहीं है पावर पे, ठीक है। चलो यहां पर कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, अच्छा चलो जो रिमेनिंग टर्म बचा था उसे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहां पर कितना लिखा था एक्स का पावर 4 प्लस वन। होप सो अभी तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब जरा ध्यान दो वापिस से, यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर और वन, यहां पर भी लिखा है एक्स स्क्वायर और वन, लेकिन यहां माइनस है यहां प्लस है। वापस से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ए मान लू, इसको मैं बी मान लू, फिर इसको मैं ए मान लू, इसको मैं बी मान लू, वापस से फॉर्मूले से रिलेट करने की कोशिश करो, वही लिखा है क्या ए माइनस बी, यहां पर ए प्लस बी, मतलब दोनों टर्म सेम है खाली साइन का अंतर है, तो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस केस में एक्स स्क्वायर और वन इस फॉर्मूले के बेसिस पर क्या बन जाएंगे, समझो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, यही बन जाएगा ना इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो हमने इसको रिलेट किया है। चलो यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब कितना टर्म हमारा बच गया, ये लास्ट टर्म बच गया, तो इसको हम क्या करते हैं एज इट इज ऐसा ही उतार लेते हैं यहां पर। अब देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, और नहीं अगर पता है तो आपको मैं पढ़ाऊंगा तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां पर जब भी दो पावर आपस में एक के ऊपर एक रहते हैं तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ए का पावर एम होल टू दी पावर एन, तो ए का पावर हो जाएगा एम इंटू एन, समझ में आ गई बात। तो यहां पर हमारा ए ए का पावर एम और यहां एन उसका पावर, तो मतलब ए का पावर एम इंटू एन, तो ये टर्म कितना हो जाएगा एक्स का पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, और यहां माइनस 1 का होल स्क्वायर, हाउ मच 1 का होल स्क्वायर 1 ही रह गया, समझ में आ गई बात। और यहां पर जो टर्म था एज इट इज उतार लो, एक्स का पावर 4 प्लस 1, वापस से ध्यान दो,
वापस से वही बात जो ऊपर रिपीट हुई थी वापस ये वो बात वापस यहीं पर रिपीट हो रही है। x का पावर 4 यहाँ भी है, x का पावर 4 यहाँ भी है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, बस साइन का अंतर है। मतलब वापस से यही फॉर्मूला लग जाएगा इन पर वे, है ना। तो ये जब ये फॉर्मूला इन पर लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इन दोनों को कैसे लिखेंगे, तो चलो देख लेते हैं। x का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात, होप सो अभी तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो वापस से a का पावर m उसका होल पावर n, a का पावर m n, तो मतलब a का पावर m होल पावर n, मतलब a का पावर m n, m into n कितना हो जाएगा, x का पावर 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना भी कर दो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन गिवन था इसको सॉल्व करके जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया वो होगा x का पावर 8 माइनस 1। होप सो अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, ये क्या है हमारा, ऐसा दिया हुआ है एक्सप्रेशन। तो हमें प्रूफ क्या करने बोल रहा है, हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि a इक्वल टू b है और b इक्वल टू c है, इस बात को हमको प्रूफ करके दो। अब देखो आपको मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आइडेंटिटीज में कुछ चेंजेस करके बताए थे, उसका ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। अगर आप उसे सही से समझे होगे तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में बना दोगे। चलो देखते हैं इसमें करना क्या है। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू हाउ मच, जीरो। अब समझो बात, यहां पर मैं क्या चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं LHS और RHS दोनों ही साइड क्या करता हूं, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, LHS में भी और RHS में भी। अब समझो बात, यहां पर मैं जब आइडेंटिटीज करवा रहा था तो वहां पे क्या चेंज करवाया था, हाफ इंटू टू। समझो बात, ये 2 क्या हो गया, यहीं रह गया और ये 1/2 जो था ये पलट कर जाके RHS से मल्टीप्लाई हो गया। आप ऐसा समझ लो, आपको समझने में काफी इजी हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि LHS में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो होल इक्वेशन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस चीज को समझने में कंफ्यूजन है तो आप ऐसा ही समझ लो कि यहां पर हाफ इंटू टू वाला जो ऑपरेशन हमने किया था चेंजेस आइडेंटिटीज में, तो ये 2 जो है एज इट इज यहीं रह गया और यहां जो हाफ था ये मल्टीप्लाई होकर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई से RHS में। होप सो अब आपको ये बात क्लियर हो गई। अब समझो बात, जैसे ही मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां चेंज क्या हो जाएगा, यहां चेंज हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, समझना है ना, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए इक्वल टू। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था किसी भी नंबर से अगर जीरो मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस से ध्यान दो, यहां पर 2 ए स्क्वायर, मतलब हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को दो बार लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2 बी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए इक्वल टू हाउ मच, जीरो। अब जो हमने आइडेंटिटीज में किया था ना फेर बदल, सब कुछ वही आ गया, ध्यान से देखो, है ना, वही बात आ गई। क्या करेंगे अब, हम खाली पेयरिंग करेंगे और फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलो पेयरिंग करके देखते हैं, एक ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होप सो इतना क्लियर होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं, ठीक है। वापस से ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये भी क्लियर होगा। प्लस वापस से बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी किसका फॉर्मूला हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, जीरो। होप सो आपको अब तक यहां पर जितना भी काम किया है मैंने वो क्लियर होगा। अब इतना कुछ करने के बाद यहां पर जो हमारा एक्सप्रेशन लिखकर आया है वो टोटल कितना हो गया, जीरो के बराबर है, सबका स्क्वायर है एड होकर जीरो के बराबर आया।
अब यहां जो मैं बात बोल रहा हूं ना, उस बात को ध्यान से सुनो। हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। आप करके देख लो, 2 का स्क्वायर करो 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 होता है। मतलब हम अगर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तब भी पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव का कर ले तब भी पॉजिटिव ही आता है। चलो ये बात तो अपनी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। वापस से, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, और यह तब तक 0 नहीं हो सकता जब तक खुद 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तभी 0 आएगा, वरना अगर हम किसी और नंबर का स्क्वायर करें तो किसी भी कीमत पर वो 0 नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान में डाल लें। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें। यहां पर क्या दिया हुआ है, a माइनस बी कुछ होकर एक नंबर आएगा उसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस a माइनस सी कुछ नंबर आएगा उसका स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस b माइनस सी कुछ नंबर आएगा उसका स्क्वायर दिया, और सबको जोड़कर 0 होगा। मतलब ये तो हमें पता है कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो मतलब हम पॉजिटिव नेगेटिव करके 0 बना ही नहीं सकते। हमारा ये कॉन्सेप्ट तो भैया फेल हो गया। अब क्या होगा, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जब तक नंबर खुद 0 ना हो जाए तब तक उसका स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। इट मींस अगर सभी नंबर के स्क्वायर को जोड़कर 0 लिखा गया है तो इसका यही मतलब है कि ये सारा नंबर a माइनस बी जो माइनस होकर आएगा वो 0 के बराबर होगा, a माइनस सी जो माइनस होकर आएगा वो 0 के बराबर होगा, और b माइनस सी जो माइनस होकर आएगा वो 0 के बराबर होगा। उसी कंडीशन में, सिर्फ यही एक कंडीशन है जिस कंडीशन को फॉलो कर ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 0 बन सकता है, वरना दूसरा कोई भी मेथड नहीं है इस एक्सप्रेशन को 0 बना सकते हैं हम, कुछ भी तरीके से इसको 0 नहीं बना सकते हैं हम। सिर्फ यही एक कंडीशन है, जब ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वैल्यू 0 हो जाए, और सभी का स्क्वायर करें और ऐड करके हमारा कंप्लीट वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलो जब ऐसा बात हो ही गया तो हमें क्या करना होगा, अब इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को 0 के बराबर लिखना होगा। तो हम कितना लिख लेंगे, a माइनस बी बराबर 0। इट मींस इस b को अब उस साइड भेजेंगे तो a बराबर कितना आ गया अपना, a बराबर b आ गया। इस एक्सप्रेशन से हमारा निकल गया a बराबर b। चलो अब वापस से a माइनस सी को 0 बनाना होगा तभी इसका स्क्वायर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस सी बराबर 0। इट मींस a बराबर c, समझ में आ गई बात। उसी तरह b माइनस सी की वैल्यू 0, इट मींस b माइनस सी बराबर 0, तो इसका मतलब b बराबर c। होप सो आपको अब तक ये बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान देंगे, हमने जो रिजल्ट निकाला है उस पर ध्यान दो। a क्या है, b के बराबर है, a क्या है, c के बराबर है। इट मींस जब हमारा LHS इक्वल है दो केस के अंदर, तो उसका RHS क्या होगा, सेम होगा। मतलब a b के बराबर था, a c के बराबर था, और यहां पर a बराबर हो गए, तो मतलब b भी क्या होगा, c के बराबर हो जाएगा। तो हमारा भैया जो कंडीशन हमसे मांगा था ना, प्रूव दैट, निकल कर आ तो गया। यहाँ क्या निकल कर आ गया, a हमारा b के बराबर था, और यही a के बराबर क्या था, हमारा c था। इसका मतलब a के बराबर c भी हो गया, a के बराबर b भी हो गया, मतलब b के बराबर c भी हो गया। होप सो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल के सारे वीडियोज को आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस।